शिव जी ने पार्वती को ही फुलेरे का महत्व क्यों समझाया? देवऋषि नारद ने जब पार्वती मैया को हिमालय राज की गोदी में देखा था, तब देवऋषि नारद ने भी पार्वती के कानों में यह कह दिया था कि पार्वती, अगर तुम्हारी ये पुत्री, तुम्हारी ये बेटी शंकर की आराधना करेगी, शिव की भक्ति में डूबेगी, और हस्त नक्षत्र पड़ गया, हस्त नक्षत्र की तृतीया अगर पड़ गई और वो तृतीया के दिन अगर इसके ऊपर कोई फूल का झूमर पड़ गया, तो तुम्हारी ये कन्या अभी तक सती बनकर जन्मी थी तो प्राण छूट गए थे, उमा बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, कात्यायनी बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, स्कंदा बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, इसको बार बार जन्म लेना पड़ा था। अगर एक बार इस कन्या ने उस फुलेरे के नीचे अगर पूजन कर ली और हस्त नक्षत्र और भद्रपद की तृतीया अगर पड़ गई, तो फिर ये पार्वती का कोई दूसरा जन्म नहीं होगा, ये जन्म इसका फिराकरी ही होगा। अब आप अंदाजा लगा कर देखिएगा कि पार्वती जी के जन्म के बाद कोई जन्म हुआ क्या? पार्वती को सती बनकर पहले जन्म ली, उमा बनकर जन्म ली, कात्यायनी बनकर जन्म ली, कुष्मांडा बनकर जन्म ली, बार बार फिर जन्म नहीं होता। फिर एक बार शिव की हो गई और शंकर पार्वती की हो गई। फुलेरे का दर्शन का मतलब क्या है कि आपके जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफ हैं, आपके जीवन के जितने कष्ट हैं, आप देवाधिदेव महादेव के उस फुलेरे के दर्शन कर महादेव को प्रदान कर दें और महादेव से उनका आशीर्वाद लेकर पुष्प की सुगंध की तरह वो आशीर्वाद हमारे जीवन को सुखमयता प्रदान करें। भक्ति का बल बड़ा है। शिव कथा कर रही है, आज हरताली का तीज संपूर्ण भारत देश की ही नहीं, संपूर्ण देश विदेश में विराजमान माताएं शिव जी को राजी करने के लिए, इस पूजन के लिए अपने अपने घर पर आनंद के साथ विराजी हैं। भक्ति को बढ़ाना है, अहंकार को निकाल कर बाहर कर देना। दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है? बोलो जल्दी से, जम के बोलो, सफाई। दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है? घर की सफाई। अब कोई पूछे कि घर की सफाई क्यों करी जाती है? होली आती है तो कभी सफाई नहीं होती, दशहरा आता है तो नहीं होती है, कोई विशेष फंक्शन होता है तो घर की सफाई नहीं होती है, पर दिवाली आती है तो घर की सफाई क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब लक्ष्मी घर में आए उससे पहले घर की सफाई कर लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि साफ सफाई वाले घर के अंदर लक्ष्मी टिकती है और बहुत दिनों तक रहती है। घर की सफाई कर लेना चाहिए। अब कितनी सुंदर बात हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहा गया कि दीपावली आई, लक्ष्मी जी आई, तो घर की सबसे पहला काम घर में करा गया घर की सफाई। आपसे भी निवेदन है, आपके घर में जब लक्ष्मी बढ़ने लगे, दिवाली से मतलब नहीं है, दीपावली से मतलब नहीं है सफाई का, जब तुम्हारे घर में संपदा बढ़ने लगे, तुम्हारा व्यापार चलने लगे, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी तरक्की की हो जाए, तुम्हारा पैकेज बढ़ जाए, खूब तुम कमाने लगो, तो निवेदन है जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आने लगे तो इस दिल की, इस मन की भी सफाई प्रतिदिन करते रहना, जिससे इसमें अहंकार ना जम जाए, इसमें अभिमान ना आ जाए, इसके अंदर अहंकार प्रकट ना हो जाए। जब आप अपने दिल की सफाई कर रखोगे, अभिमत्ता में नहीं फूलोगे, अहंकार में नहीं फूलोगे, अहंकार में अधिक नहीं बढ़ पाओगे, तो ये निश्चित है तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी टिकेगी। जिसका घर साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है, उसके यहाँ लक्ष्मी थोड़ी टिकती है, रुकती है, रहती है। आपके भीतर से अहंकार गया, काम गया, लोभ गया, वासना गई, तृष्णा गई, अहंकार गया, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में टिकेगी। और अगर तुम थोड़े बहुत भी अहंकार में फूल गए, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा वैभव, मेरी सत्ता, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, जब तुम अहंकार में फूलने लगोगे तो लक्ष्मी फिर टिकती नहीं, फिर लक्ष्मी चली जाती है, वहां टिकेगी नहीं लक्ष्मी। इसलिए दीपावली के पहले का सबसे पहला काम है सफाई करना। सफाई का मतलब यह नहीं है कि घर की सफाई करना, सफाई का मतलब है अपने दिल की सफाई करना, अपने मन की सफाई करना।
इसके अंदर अहंकार ना रह जाए, इसके अंदर काम आसक्ति तृष्णा ना रह जाए। अभिमत्ता से दूर हो जाओ, शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिए, जो आपके जिंदगी में, आपके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में काम आती है। कभी बहुत बड़े, कभी बहुत बड़े विद्वान मत बनना और बहुत बड़े ज्ञानी मत बनना। ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, तो वो भरा हुआ जो मटका है ना, वो झलकता है अंदर। अगर पात्र के अंदर दूध भरा हुआ है, पात्र के अंदर, बर्तन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है, तो अलग से हम पानी डालेंगे तो उसमें भराएगा नहीं, बाहर झलक जाएगा। उसमें दूध भराएगा नहीं, झलक जाएगा। उसमें तेल भराएगा नहीं, तेल झलक जाएगा। अगर वो पात्र खाली है, पात्र अगर खाली है, तो उसमें जो भरोगे वो भरता चले जाएगा। तो बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत ज्ञानवान नहीं बनना हमको कि मुझे सब आता है, मेरे को सब सब कथा मालूम है, मेरे को मत सुनाओ, तुम मुझे मत बताओ। कई कई बच्चे कह देते हैं, कई कई बहुएं कह देती हैं अपनी सास से, मम्मी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारे जैसी अनपढ़ नहीं हूं, बहुत पढ़ी लिखी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। कई बार बेटे कह देते हैं, पापा तुम तुम्हारे लेवल से दुकान चलाते होगे, मुझे मेरे लेवल से चलाना है, मैं सुन नहीं सकता, मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है। थोड़ा सा पढ़ लेने से, थोड़ा सा विद्या अध्ययन कर लेने से बहुत ज्ञानी मत बनना, निवेदन है। बहुत ज्ञानी नहीं, चार इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में चार इंजीनियर एक तार को डाल रहे थे और वो इंजीनियर से तार अंदर नहीं गया। एक किसान उन इंजीनियर को देखकर दुखी हो गया, उसने कहा तुम्हें देख रहा हूं चार दिन से तुम तार को उसके अंदर डाल रहे हो, आड़ा टेढ़ा पाइप है, इसमें जा नहीं रहा, मैं डाल सकता हूं। चारों इंजीनियरों ने विचार करा, बताओ कैसा मूर्ख है, एक तो किसान गांव में रहने वाला, अकल तेरे में नहीं, हम चार चार बड़े बड़े इंजीनियर, हमारी विद्वत्ता को तू क्या जानेगा, क्या तू इस तार को अंदर डाल सकता है? हाँ डाल दूंगा। एक इंजीनियर का दे दो इसको, उसने कहा, अब भी आया, घर गया, घर के मकान में से एक चूहे को पकड़ लाया, चूहे की पूंछ में तार को बांध दिया, चूहे को अंदर छोड़ दिया, तार बाहर निकल गया। कभी कभी बहुत विद्वत्ता का अभिमान हमको डुबो देता है। रावण में और हनुमान जी में एक बहुत बड़ा अंतर था। रावण कौन था? आज भी लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। रावण के लिए जो भी बोलेगा तो एक बात बोलेगा कि रावण बड़ा विद्वान था, पर हनुमान जी के लिए कोई नहीं बोलेगा कि हनुमान जी विद्वान थे। हनुमान जी के लिए लोग कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान जो होता है वो जगत में डोंडी पीटता रहता है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब अकल है, तुम लोग नहीं जान सकते, हम लंकेश हैं, यह विद्वत्ता। और विद्यावान क्या होता है? जब लंका में भी प्रवेश करता है तो मशक समान रूप धर कर प्रवेश कर जाता है। विद्वान में और विद्यावान में अंतर है। विद्वान झुकना पसंद नहीं करता, विद्वान छोटा बनना पसंद नहीं करता, और विद्यावान बहुत छोटा होकर अपना काम निकालकर आगे बढ़ता चले जाता है, वो विद्यावान होता है। रावण को इतना ज्ञान होने के बाद भी रावण के नाम के आगे विद्यावान नहीं लिखा, उसके आगे पर विद्यावान संबोधन से संबोधित नहीं किया उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमको, बहुत विद्वान नहीं बनना हमको। आपको कितना आता है यह आप अपने अंदर रखिए, आप कितने चतुर हैं यह चतुरता आपके अंदर रखिए, आप कितने विद्वान हैं यह विद्वत्ता आपके अंदर रखिए। जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ, तब कहो
कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना, भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता, भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ, जितने नम्र बन सकते हो उतने बन जाओ। वो ब्राह्मण की बेटी, बालक ने आकर उससे लड्डू मंगा पर उसने नहीं दिया। अब उसकी नम्रता देखिए, उस बेटी की विद्या देखिए। मैं तुमको लड्डू नहीं दूंगी, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी सूंड होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारे बड़े बड़े कान होते, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी तोंद निकली हुई होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारा गज का मुख होता, पर तुम्हारा तो मनुष्य का मुख है, तुम तो मानव का मुख लेकर बैठे हो, तुम गणेश नहीं। गणेश जी ने कहा, मैं तुझे क्या सबूत दूं कि मैं गणेश हूं, सबूत क्या दिया जाए कि मैं गणेश हूं। यह अनभिज्ञता है हमारी। एक छोटा सा लड़का पापा की शादी की एल्बम देख रहा था। किसकी शादी की, जम के बोलो जरा, पापा की शादी की एल्बम देख रहा है। और पापा की शादी की एल्बम देखते 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 एल्बम जब वो देखना प्रारंभ करा, देखता गया देखता गया देखता गया, पर वो एल्बम को देखते 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 आखिरी में खूब जोर जोर से रोने लगा। तो मम्मी ने पूछा, क्यों रो रहा है, इसमें मेरा फोटो नहीं है। माँ उसको समझाए कि तू पैदा ही नहीं हुआ था रे, इस फोटो में कहां से तू होगा। ऐसे संसार के कई लोग हैं जो रामायण पढ़ते पर रामायण पर विश्वास नहीं करते, महाभारत पढ़ते पर महाभारत पर विश्वास नहीं करते, शिव पुराण सुनते हैं पर शिव पुराण पर विश्वास नहीं करते। जो शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर, हमारे वेदों पर, हमारी पुराणों पर, हमारी शास्त्रों पर जो विश्वास नहीं करता, समझ लेना कि वो पापा की एल्बम देखकर जिद कर रहा है कि मैं कहां हूं इसमें। उसको यह नहीं मालूम कि क्या शास्त्र, क्या वेद, क्या पुराण। आप लोग अगर रोज रोज मंदिर, तो अब लोग समझदार हो गए तो आप लोग किसी के सुनते नहीं हो, नहीं तो पहले जब शुरू शुरू में आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी होगी और मंदिर जाना चालू करा होगा तो बहुत सारे लोग तुमको अकल देने वाले मिले होंगे, क्यों जाती हो, क्यों चक्कर में पड़ी हो बस योर वाला महाराज के, क्यों मंदिर जाती हो, क्या होगा बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होगा फुलेरे का दर्शन करने से, क्या होगा धतूरा चढ़ाने से, क्या होगा वृक्ष की पत्ती शिव का श्रृंगार करने से। पहले लोग कहेंगे तुमको, पर मेरा बेटियों से, बेटों से, मेरा माताओं से, मेरा पुरुषों से सबसे निवेदन है, आज हड़ताली का तीज है, आप पांच फुलेरे का दर्शन करने जाना और पांच फुलेरे का दर्शन कर एक डायरी पर लिखकर रखना कि आज 18 सितंबर को मैंने फुलेरे का दर्शन करा था और पांच फुलेरे का दर्शन करते हुए मैंने बाबा से ये मांगा था, अगले साल वो फुलेरा बंधने से पहले तेरी मनोकामना पूर्ण होती कि नहीं होती तू अंदाजा लगा कर। लिख के जरूर रखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। मैंने जो मांगा था वो दिया कि नहीं दिया। आप जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें, किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछ कर घर के अंदर दर्शन करने जाएं, अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कहकर आए, बाबा आप सुनोगे मेरी बात, आप स्वीकार। शिव तत्व है।
शिव तत्व की प्राप्ति। एक फुलेरा दूज का धतूरा, सुना है ना कथा में, शिवरात्रि के बाद जो फुलेरा दूज आती है, फुलेरा दूज का धतूरा उसमें, और एक शिव हरताली का तीज का फुलेरा, ये बहुत। एक शिवरात्रि के बाद आने वाली फुलेरा दूज, कौन सी दूज, फुलेरा दूज, और एक हरताली का तीज का फुलेरा, इसके महत्व को जिस दिन तुम जान गए उस दिन सुख पा गए। सुख पा, लोग हंसेंगे, और देखो दुनिया के लोगों का काम है हंसना, वो तो हंसते रहेंगे, लोग ताना भी देंगे, तुम सीहोर वाले महाराज का कहना मानते ही क्यों, लोग अपशब्द भी कहेंगे, पर आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। ये तो दुनिया के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब कहने को तो लोग कितना प्रेम से कहते हैं, कितना भाव से कहते हैं कि महिला घर की इज्जत होती है, बोलो बोलते कि नहीं बोलते, अरे बोलो जम के जरा, बोलते कि नहीं बोलते। कहने वाले कहते हैं कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, महिला घर की इज्जत होती है, पर मेरा निवेदन है जो कह रहे हैं कि महिला घर की इज्जत होती है, उनसे निवेदन है कि आप उस महिला अगर घर की इज्जत होती है तो उसको इज्जत देते क्यों नहीं हो। कहने में और करने में अंतर है। कहने वाला तो कह देता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, तो तुम कह तो रहे हो, पर अपने घर की महिला को इज्जत देना सीखो, अपने घर की महिला को आदर देना सीखो। केवल कहने से नहीं होगा कि महिला घर की इज्जत होती है, महिला को जिस दिन तुम इज्जत देना चालू कर दोगे उस दिन घर की इज्जत महिला होती है तब मान्य होगा। ये तो दुनिया के लोग कुछ भी कहते फिरेंगे, इनका 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 कोई वर्णन नहीं है, कहते कुछ है होता कुछ है, कहते कुछ है करते कुछ है, बोलने को बोल दिया कि महिला घर की इज्जत होती है, पर इज्जत दो तो, इज्जत देने से महिला इज्जतदार बनेगी, आप इज्जत दोगे नहीं। आप शब्द कहते हो, जब देखो जब तीन शब्द ऐसे बोल जाते हो, दो मिनट के लिए घर आते हो, आड़े तेड़े शब्द बोलकर चले जाते हो, ताने देकर चले जाते हो, आप शब्द कहकर चले जाते हो, उसको पांव की ठोकर के बराबर मानते हो, उसको धूल के बराबर मानते हो, और एक तरफ कहते हो कि महिला घर की इज्जत होती है, उसको इज्जत देना चालू करो, उसको सम्मान देना चालू करो, और जो सम्मान जो इज्जत मेरे महादेव ने नारी को दी है, जो इज्जत जो सम्मान मेरे भोले बाबा ने स्त्री को दिया है, जो इज्जत जो सम्मान मेरे शंकर भगवान ने स्त्री को नारी को दिया, ऐसा सम्मान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मेरे भोले बाबा जो दिए वो सम्मान कोई स्त्री को नहीं दे सकता, कौन दे सकता। शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, पार्वती जी जमीन पर हैं क्या, जम के बोलो जरा, नहीं, पार्वती जी को थोड़े ऊंचे स्थान पर शंकर जी ने विराजमान करा। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना, शिव मंदिर में दर्शन करने जाना, शंकर भगवान बिल्कुल जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है और पार्वती जी थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी हुई हैं, थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी। जितना आदर मेरे देव अधिदेव महादेव ने स्त्री का करा है, जितना आदर मेरे देव अधिदेव महादेव ने नारी का करा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा संख्या में शंकर भगवान की पूजन करती कौन है, नारियां करती। कारण क्या है, क्योंकि उन्हें आदर दिया है, उन्हें सम्मान दिया है। जो अपनी नारी का सम्मान करते हैं, जो स्त्री का सम्मान करते हैं, जो आदर करते हैं नारी का, जो नारी के लिए शब्द श्रेष्ठ बोलते हैं, नारी उसका आदर करती है, और जो नारी को अपशब्द कहते हैं फिर नारी भी उसका आदर करना बंद कर देती है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, गुरुजी तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां पहुंचती हैं, हम उनसे क्या कहें, क्योंकि शंकर भगवान की कथा है और देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को, ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बराबरी में बिठाया, चरणों में बिठाया, इंद्र ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया, पर केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने पार्वती को ऊंचा बिठाया और खुद नीचे आकर बैठ गए। स्त्री का आदर करिए, नारी घर की इज्जत होती है, तो मेरा निवेदन है उस नारी की इज्जत करना प्रारंभ करिए।
करो आप इज्जत, आप इज्जत करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे। और देखो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप जानते नहीं हो मेरी पत्नी को, आप तो कह देते हो व्यासपीठ से, पर आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। आप मेरी पत्नी से अभी मिले नहीं हो एक बार गुरुजी, और आप कहते हो कि नारी का सम्मान करो, आदर करो, अभी आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। हम उनसे कहते हैं भाई हम आपकी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते और हमें मिलना भी नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं तुम्हारी पत्नी मॉल में जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, पूरी दुकान फैला कर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी जेवर खरीदने जाती है, पूरी जेवर की दुकान फैला कर आ जाती है। ये नहीं, ये, ये नहीं, ये। सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले को हिला कर आ जाती है, किराना लेने जाती है तो किराने वाले के यहाँ हिला कर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा पसंद आता है। जरा सोच इतने लड़कों में तुझे पसंद करा तू कितना कीमत वाला होगा। और तू कह रहा है कि मेरी पत्नी से भी मिले नहीं हो। अरे तेरे जैसे हीरे को देख लिया बहुत, जो कपड़ा खरीदने जाए, एक मोबाइल का कवर लेने जाए तो चेंज करती रहे, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं। और शादी के मामले में तेरे को पसंद करा तो तू कितना किस्मत वाला है, डायमंड है तू, डायमंड हीरा है तू। और कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी से मिले नहीं हो, क्या करूं मिलके, है क्या करना मिलके। अब तुझे देख लिया ना, बस उसकी पसंद इतनी अच्छी है, उससे समझ में आ गया कि कितनी अच्छी है, बस बहुत है। और कह के तुम मिले नहीं हो, तुम तो कह देते हो नारी का सम्मान करो, आदर करो, शंकर भगवान पार्वती जी का करे, करना चाहिए, करो। जितना आदर दोगे उतना आदर वो भी तुम्हें देगी। शिव कथा कहती है शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। अब शिव जी ने तो पार्वती जी को केवल ऊंचे स्थान पर बिठाया, पर पार्वती जी ने शंकर को अपने दिल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया कि मेरे शिव है, ये मेरे औघड़ी है, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। आप आदर ही करना नहीं जानते तो फिर क्या आदर होगा। किसी को फूल दीजिए तो आपको भी फूल देगा। यहां पर लोग माला लेकर आते हैं तो उन्हीं की माला हम उनको ही दे देते हैं, बोलो सही है कि गलत है। कोई अगर सामान लाया है तो उसका उसको समर्पित है, ले जा। फूल दिया तो फूल दे दिया, बेलपत्र दी बेलपत्र दे दिया, माला दी माला दे दिया, वस्त्र दिया वस्त्र दे दिया, जो दिया उसको वापिस वही मिला। आपने अपनी पत्नी को आदर दिया तो लिख कर रख लेना, तेरी पत्नी भी तुझे आदर देना प्रारंभ कर देगी। सम्मान देना पड़ेगा, पहले देना है फिर लेना है। दुनिया के लोग पहले देते नहीं है, लेने की आशा ज्यादा पड़ जाती है। सास को लगता है मेरी बहू मेरा सम्मान करे, तो मेरी सासुओं से निवेदन है बहू का सम्मान तुम चालू कर दो। हमें लेने की आदत ज्यादा है, हमारी आदत इतनी पूरी हो गई ना कि हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मेरी बहन राखी पे राखी बांधने आएगी तो अपने भतीजों के लिए कौन कौन से कपड़े लेके आएगी। अब आशा लगी है कि बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लाए, ननंद आ रही है, बहन आ रही है तो भतीजों के लिए कपड़े लाए, बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेकर आए। बल्कि आस ये होना चाहिए कि जीजी तू आए तो कुछ लेकर मत आना, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देख कर भेजेंगे, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे, तू लेकर मत आना जी जी, यहाँ पर सब है। आदत तुमने ऐसी बना ली कि बस तुम्हें लेने की आदत हो गई, देने की नहीं हुई। और मेरा निवेदन है सासुओं से भी, मेरा निवेदन है बहुओं से भी, मेरा निवेदन है पतियों से भी, मेरा निवेदन है पत्नियों से भी, मेरा निवेदन है भाई और भाभियों से भी, मेरा निवेदन है जीजी और जीजाओं से भी कि तुम दूसरे को सम्मान देने की आदत डाल लो, तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम देओ तो पहले, तुम प्रदान तो करो पहले, तुम दे ही नहीं रहे हो और लेने की आदत डाल ली तुमने कि मुझे कोई दे दे, मुझे सम्मान दे दे, मुझे आदर दे दे, मुझे सत्कार कर दे। तुम मीठी वाणी बोलकर सम्मान देना प्रारंभ करिए, वो मीठी वाणी बोलकर तुम्हें आदर देना प्रारंभ कर देगा।
देगा। हमारे यहां महाराष्ट्र में लिखा रहता है जगह जगह पर, अतिथि देवो, बोलो बोलो जम के जरा बोलो, अतिथि देवो भव। कौन सा अतिथि? यहां लिखा था, हम तो देखो इतना तो हमको याद माद रहता नहीं है, वो तो यहां गाड़ी में से आते हैं तो हमारा वो पायलट है ना गाड़ी वाला, वो धीरे आराम से चलाते चलाते ले आता है बढ़िया प्रेम से, और कहीं कहीं पढ़ने में अगर आ जाता है तो हम उससे पूछते भी रहते हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब वो हमने उससे पूछा, क्यों रे पुणे में कल बहुत गर्दी थी, तो हमने उससे पूछा कि इसको मराठी में बोल, तो हमने उससे बोला कि हम बोल रहे थे उसको, हमारी भाषा में गलत हो सकता है कि सकाली गर्दी जास्ती आहे, तो हम ऐसा उसको बोल रहे थे, तो वो बोला गुरु जी तुम्हें कभी मराठी नहीं आ सकती। हमने कहा हो ए भाव तेरे को ताती ना, तो क्या चांगली सब आते, हमने ठीक है बढ़िया, बस तेर को आती ना, बाकी अपनी मराठी तो ये कथा वाले समझ जाते, बस इनको समझ में आ जाए ना बस बहुत है। अब वहां लिखा था एक जगह पर अतिथि देवो भव, अतिथि कौन, कौन सा अतिथि? दो तरह के अतिथि होते हैं, दो तरह के मेहमान होते हैं, एक मेहमान वो होता है जो मन देख कर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देख कर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव, कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरण पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं, जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी, पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बड़ा वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए तो ये अतिथि देवो भव नहीं है, इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देवो भव कहेंगे, कि ये केवल पैसा देखकर, या इसको कहेंगे दिखावा देव भव, बस केवल धन देखकर, गाड़ी बंगला देखकर रिश्तेदारी बन गई, बहुत लोग आने लगे, बहुत संबंध होने लगे, अब पैसा बढ़ा, नाम बढ़ी, शोहरत बढ़ी, तो लोग बढ़ गए, उनको पहचानते हो, वो तो हमारे काका की लड़की, हड़पसर वाले को जानते हो, वो हमारे चाचा जी की लड़की, जब धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, सत्ता बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो बहुत सारे मेहमान आना चालू हो गए, बहुत सारों से पहचान हो गई, पर जब कुछ भी नहीं था, केवल ये मन था, तब कोई आता था तो समझ लेना कि वो सही अतिथि था जो तुम्हारे दिल से आता था, दिल के लिए आता था, धन से उसको कोई प्रीति ही नहीं थी। आज के जमाने में मेहमान आए तो उसके लिए अलग से कमरा देना पड़ता है, पहले जो मेहमान मन के लिए आता था, नीचे जमीन पर गद्दे डल जाते थे, गादी डल जाती थी, लाइन से सब सो जाओ, भोजन बन जाता था। पहले मेहमान आते थे रसोई घर में खड़े रहकर साथ में भोजन बनवाते थे, आज के मेहमान तो टेबल पे भाभी ले आओ, क्या बनाया है, इडली सांभर, भाभी बहुत अच्छा बनाया, तो मन ऐसा होता है इतनी चरी, एक बार आके काम तो करी, कितनी खाई, थोड़ा सा तो काम कर, बहुत अच्छा बन। ये जो मेहमान हैं जो केवल टेबल पर बैठकर सामने बैठकर खाकर चले जाते हैं, रसोई घर में जाग कर भी नहीं आते कि एक बहू काम कर रही है, एक सास काम कर रही है, एक बुजुर्ग काम कर रहा है, चलो मैं आई हूं मेहमान बनकर आई हूं। मेहमान का मतलब क्या होता है, जो मन में निवास करे, और मन में निवास करने वाला तो रसोई घर में आकर, ला बेटा मैं काम कर देती हूं, सब्जी में काट देती हूं, तू दूसरा काम कर ले, ला आटा में उसन देती हूं, तू दूसरा काम कर ले, ये पहले के मेहमान होते थे जो आते थे तो सीधे काम में लग जाते थे, आज के मेहमान तो इतनी डेंटिंग पेंटिंग करके आते, इनको तो हंसने की भी फुर्सत नहीं रहती, ज्यादा हंस दे तो दांत में लिपस्टिक चिपक जाए, तो हंस भी नहीं सकते, अब इन मेहमान से क्या आशा रखोगे, अब कह रहे अतिथि देवो भव,
तो जहां कहीं भी लिखा हुआ अतिथि देवो भव तो समझ लेना ये मन वाले के लिए लिखा है, मकान वालों के लिए नहीं। जो मकान देख कर आते हैं वो मेहमान नहीं हो सकते, जो मन देख कर आया वो मेहमान है, वो हमारे लिए अतिथि, परमात्मा के तुल्य है, देव के तुल्य है। बेटी ने कहा कि मुझे गणेश जी को मैं लड्डू दूंगी पर तुझे नहीं दूंगी, मैं तुझे नहीं दूंगी। मैं पहचान क्या तेरी, बड़े कान नहीं है, गजमुख नहीं है, सूंड नहीं है, तोंद नहीं है, तो पहचान क्या तेरी, मैं तुझको लड्डू नहीं दूंगी। आखिरी में बालक वहां से ओझल हो गया, पूरा रात्रि बेटी अकेली उस जंगल में रही और गणेश जी जब पहुंचे तो शिव जी ने पूछा क्या तू उस बेटी के हाथ का लड्डू खाकर आया, नहीं उसने मुझे दिया नहीं, उसने मुझे नहीं दिया। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, इतनी जल्दी डोलता नहीं है, उसको पूर्ण भरोसा चाहिए, विश्वास दृढ़ता उसके भीतर होना चाहिए। आपका भरोसा इसी को कहते हैं। वो कैसे मिलेगा, आपने आपकी सासू की बात पर विश्वास करा और शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुना, टीवी पर सुनकर विश्वास कर फिर गर्भ धारण हुआ तो यह भरोसा हो गया कि अब देगा तो मेरा महादेव देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। यह विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया। और विश्वास ही तो दृढ़ करना है, भरोसा ही तो पक्का करना है। हमारा विश्वास ही पक्का नहीं हो, हमारा भरोसा ही पक्का नहीं हो तो हम कैसे भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यहां कई लोग आए होंगे, उनका विश्वास पक्का होना चाहिए। मैं कथा सुनने गई हूं, मैंने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा पुणे नगर में संगवी में सुनी है, शंकर भाव उस कथा को कराए हैं, मैंने सुना उस कथा को और मेरा विश्वास कहता है अगली कथा कहीं पर भी होगी तो मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है। ये भी भरोसा पक्का करिए, वो आएगा देगा निश्चित है। कह दिया लड़की ने मैं तुम्हें लड्डू नहीं, गणेश जी कह रहे भगवान शिव जी से, उसने मुझे नहीं दिया। अब गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने कहा पिताजी से बासी रोटी का लड्डू है और नाटक कितना कर रही है, मोतीचूर का होता तो बात दूसरी थी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को इशारा कर दिया आज इसको एक भी लड्डू मत देना, आज गणेश जी को लड्डू नहीं मिलना। माँ के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच कर कहते हैं माँ भूख लगी है, मोदक देना, लड्डू देना। माँ कहती आज तो बना ही नहीं है। शरणानंद कार्तिकेय जी के पास गए गणेश जी, भैया भूख लगी है। कार्तिकेय जी बोले तेरी तो भूख बारी न्यारी है, तेरी भूख कम होती है, एक दो लड्डू से तेरा काम चलता है, नहीं है मेरे पास में। अशोक सुंदरी के पास पहुंच गए, जी लड्डू जी के है ही नहीं, रखे थे तो ऊंदरा खा गया चूहा, लड्डू ही नहीं बचे। ओ अब शंकर जी की लीला बड़ी अपरंपार है, शिव जी ने बड़ी भारी कृपा करी, गणेश जी को भूख लगी। और जब भूख लगती है तो चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे तुम रोज पिज्जा खाओ, चाहे बगर खाओ, चाहे चाउमीन खाओ, जब भूख लगती है तो बासी रोटी भी निपटा जाते हो। भूख लगने पर है, भूख लगी तो बासी रोटी। अब गणेश जी को याद आया रात्रि का समय, मध्य रात्रि हो रही है, लड़की बैठी गणेश को पुकार रही है, मेरा गणेश आएगा, 2 लड्डू उसका, आधा पानी उसका, आधा लड्डू मेरा और आधा पानी मेरा। बस गणेश जी को याद आ गया इतनी रात्रि को मंदिर भी बंद पड़े, कौन भोग लगाएगा, क्या करूं, एक ही बैठी है जो आधी रात को भी मुझे बुला रही है, आधी रात को। आज कोई पूछ रहा था गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है, 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है, हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं। तो हमने उनसे कह दिया जब गणेश जी फ्री हो। तो उन्होंने पूछा गणेश जी फिर ही कब रहते हैं,
तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो तीन तक आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं। हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण, विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है, हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रगट हुआ, वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर भी अगर विराजित किया जाए वो आया स्वीकार करेगा। दस आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा, जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता है, और महादेव तो स्वयं मौन रह कर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते। ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते, शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है। जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में दो चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है, जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है, गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं पर अच्छा कॉलेज अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए,
और एक पढ़ाई फ्री दीजिए जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निःशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है इस क्लिप को काट कर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिलता। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा मत दिखाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया जाना है, पहुंच गए, आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है, सिद्धि विनायक का मतलब क्या है, सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है, वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए, पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने दो लड्डू दे दिए, आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा दो लड्डू में काम नहीं चलेगा, चार देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था दो गणेश को देना, दो तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे तो दो लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर दो लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं रखे। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो दो लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया, गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगूं, वर मांगूं, पैसा मांगूं, गाड़ी मांगूं, बंगला मांगूं, दौलत मांगूं, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है, विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा तू मांगेगी नहीं, तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना पहले, मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया तू मेरे सामने बैठ कर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर यह भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो, सिद्धि विनायक के सामने जाकर यह नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो, सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो, तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने दो लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया, दो लड्डू में पूर्ति है। सिद्धि बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगेगा, कितने क्विंटल जम के बोलो जरा, 1.25 क्विंटल मोदक का भोग आज गणेश जी के मंदिर में, 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग, माइक पे चिल्लाया जाता है 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगेगा, गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 क्विंटल लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीब बड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं, वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है, गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोल कर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं। 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगाना है तुम्हें चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं है, 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगाना है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम आओ 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको,
मना नहीं, पर चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे, आज 1.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीरड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्ग की व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनरसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना, माँ कहती नहीं अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी, माँ देना अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ दो गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके रहा, 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 क्विंटल ये लगेगा, 1.25 क्विंटल वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे, मुझे दिखावे से नहीं। यहां इस पावन पंडाल में पुणे की इस धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बनाकर ले आया, कोई हलवा बनाकर ले आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया, लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या, उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है। क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी आज, आज कथा का 3रा दिन चौथा दिन है आज कथा का, चौथा दिन हो जाएगा कल, 5वां 6वां और 7वां 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला दो लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू, गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें वो कहते ना और क्या दूं मैं तुमको, दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ, सिद्ध टेक दे, सिद्धे सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो, गणेश जी विराजमान। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान कराया, संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है, सिद्धता। सबसे पहला नमस्कार, हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की। हम घर में कोई काम होता है तो कहते सिद्धि विनायक को बुलाओ, हमारे घर में कोई कार्य है तो सिद्धि विनायक को बुलाओ, पत्रिका जाए तो सिद्धि विनायक को। सिद्धि विनायक का मतलब तत्व पहली, ये पत्रिका का नियम कहां से आया कि शादी में गणेश जी को पहली पत्रिका? सबसे पहली पत्रिका किसको दी जाती है? बोलो, ये नियम कहां से, कहां से नियम आ गया है कि पहली पत्रिका श्री गणेश जी महाराज को दी जाए? कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आया? कोई आपसे पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है कि सबसे पहली पत्रिका गणेश जी के पास क्यों जाती है, कारण क्या है? पत्रिका गणेश जी को ही क्यों दी जाती है सबसे पहले?
उनको बुलाने के लिए। अरे बोलो तो जम के। गणेश जी को पत्रिका गणेश जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या? अरे बोलो बोलो जरा बोलो। रे पूना वाले तुम तो ये एकदम चुप हो गए रे, एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। राम काय के लिए बुलाई गई पत्रिका दी गणेश जी को? तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी क्या? नहीं, गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है अष्टविनायक मुदगल पुराण, श्री गणेश पुराण कह रही है, शिवपुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा, पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है ब्रह्म लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, वैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव पितर गंधर्व किन्नर असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य जीव जलचर थलचर वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए, यज्ञ करा जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सदुर सूचना कर दी कि जाओ देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्म लोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा। और उस यज्ञ में नाग असुर गंधर्व देव पितर ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए, जल चर थल चर वायु चर जीव चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की। अब भगवान तो भगवान, सबके पास में देवाधिदेव महादेव तो नेत्र बंद कर बैठे हुए थे, सब उनके पास में जाएं तो क्या हो। शिव कथा कह रही है, औघड़ी कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे, देवताओं ने एकग्रित होकर सबने यज्ञ करने का विचार किया, और वो यज्ञ होना है मृत्यु लोक में पृथ्वी पर। अब यज्ञ करने का जब विचार आया सबकी सब देवाधिदेव महादेव के पास में गए, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बोले बाबा यज्ञ करना है, नाग असुर गंधर्व किन्नर देव जलचर थलचर वायुचर जितने चराचर जीव हैं तलातल रसातल में रहने वाले हों, देवता हों असुर हो गंधर्व हो, सबके लिए यज्ञ, और ये जो यज्ञ है सबके कल्याण के लिए सबके उद्धार के लिए, तो ये यज्ञ करना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा करियो यज्ञ, पृथ्वी पर यज्ञ करने की मना नहीं है, भूमंडल पर यज्ञ करो, मना कहा है, किसने मना कर रखी यज्ञ मत करो। करिए यज्ञ, यज्ञ तो कर लें, पर एक सबसे बड़ी टेंशन का एक विषय है उस यज्ञ को करने में, सबसे बड़ा एक टेंशन सबसे बड़ी चिंता का एक विषय है। क्या विषय है? सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि यज्ञ चालू हो, उस यज्ञ में सब आए, उसका निमंत्रण कौन देने जाए। अब बहुत सावधानी से सुनना, जो लोग कहते हैं कि गणेश जी को हम वो क्या बोलते हैं पत्रिका देकर आते हैं, उनको बुलाते हैं शादी में, तो वो पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपने पत्रिका गणेश जी को दी है, पर गणेश जी का कार्य क्या है। पत्र दिया, पत्रिका देने का निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए, तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ, तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहां दैत्यों के यहां मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा, गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा पर नागों के यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया,
उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब यह काम किसको दिया जाए? तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका देने, अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर सदानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया विशारा सामरीवारी दौतली और देव पांचों कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा, मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली, पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? मां पत्रिका देने जब सदूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना मां, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते, फिर आवाज लगा कर बोले, मां मां। गणेश जी ने जैसी आवाज लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या हुआ तेरे को? मां चले तो जाऊंगा पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले, चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। इतने में पार्वती जी बोली, एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, तू सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। मां ओ मां, माँ बोली अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले, मैं चले तो जाऊंगा पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा? माँ तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहाँ नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहां नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहां नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती हो। अब गणेश जी बोले, मां मैं कैसे जाऊं? तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी, माँ हुआ क्या? ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए, और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं, किसके यहाँ ना जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहाँ जाऊं? इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे? तो के शंकर जी के चरणों में रख दो, पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो,
असुर हों, गंधर्व हों, किन्नर हों, राक्षस हों, देवता हों, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलाभरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दो, शंकर जी के सामने, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया, जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा, मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं? इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर तप साधना में लगे थे, यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना? तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान विष्णु से कहा, ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था, उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता गंधर्व असुर किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ, हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती, पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। यह पत्रिका गणेश जी को सबको, भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव, जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए, शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है? तो पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश, जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता, शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। अपनी कीमत अपने आप को बनाना, दूध की कीमत 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपए किलो होता है, पर वही दूध अपनी कीमत को बनाता है तो अग्नि पर तपता है, तपता है तो घी बनता है, घी बनता है तो कीमत वाला हो जाता है। आप स्वयं अपनी कीमत बनाओ, भले लोग तुम्हें सस्ता समझें, पर इतनी मेहनत करो, इतने दुनिया में तप जाओ कि तुम्हारी कीमत प्रबल हो, कीमत वाले बनो। कीमत, दूध की क्या कीमत? अरे 100 रुपए किलो होगा, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा, पर वो घी की कीमत 400, 500, 600, तपने के बाद कीमत आती है। दुनिया आप शब्द कहे तप रहे हो, दुनिया ताने दे तप रहे हो, दुनिया गाली दे तप रहे हो। जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप कोई कार्य करें, जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का रिएक्शन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को टेंशन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को तुम्हारी टेंशन नहीं आ रही है, तो समझ लो कि तुमने अभी कोई नाम नहीं कमाया। तुम्हारे बोलने के बाद लोग सोच में पड़ जाएं और आपस में बात करने लगे तो समझो कि बात में दम है, नहीं तो यूंच है, कोई मतलब नहीं। तुम आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को टेंशन,
परिवार को टेंशन, कैसे कमा लिया, गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, कहां गई थी, कौन से महाराज के पास गई थी, ना जाने कहां पहुंच गई। अब उसको चिंता में पड़ गई कि करती क्या है, उसको लग रहा है कहीं ये मुझे ना नीचे ना दबा दे, तो लोगों से कहना चालू कर दिया, अरे वो तो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, ना जाने कहां के टोने टटका में पड़ गई। अब शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चलाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में जाकर पोछा लगाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में यह फुलेरा लगाना टोटका होता। जिसको टेंशन है वो उंगली उठाता है, और उसका उठाना जरूरी भी है, अगर वो उंगली नहीं उठाएगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसको शिव महापुराण में टोटका नजर आए, समझ लो कि अब तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। लोगों को तुम्हारे मंदिर जाने से टेंशन हो गया, आजकल बहुत खुश रहती है, बहुत। जब से ये कथा में से आई, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान ओघड़दानी शंकर भगवान को जल चढ़ाया सबको मिलता है।